सिरमौर जिला के दूरदराज क्षेत्र शिलाई में स्क्रब टाइफस को लेकर अब स्थिति सामान्य है। दरअसल पिछले 10 दिनों में यहां करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों में स्क्रब टाइफस के लक्षण पाए गए थे। हालांकि अभी अस्पताल में बुखार से पीड़ित मरीजों का आना लगातार जारी है। सिरमौर के शिलाई में स्क्रब टाइफस के मामलों के थमने के बाद आम लोगों और स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है। बीते करीब 1.5 सप्ताह में 2 दर्जन लोग इसकी चपेट में आए, जिनमें से कुछ लोगों को स्थानीय अस्पताल में उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया और करीब 0.5 दर्जन लोगों को पांवटा साहिब अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर वीना सांगल ने बताया कि पिछले 2 सप्ताह में 2 दर्जन के करीब लोगों में तेज बुखार की शिकायत पाई गई, जिनमें से कुछ लोगों में स्क्रब टाइफस के लक्षण पाए गए थे। उन्होंने बताया कि स्क्रब टाइफस को लेकर विभाग की टीमें लोगों को जागरूक कर रही हैं। डॉक्टर वीना सांगल ने कहा कि स्क्रब टाइफस के इलाज संबंधी जरूरी दवाइयां पहले ही विभाग द्वारा सभी अस्पतालों में भेजी जा चुकी है। तो जो भी हमें सस्पेक्टेड लगता है उसको हम कार टेस्ट में देखते हैं। कुछ केसेस रिएक्टिव आए हैं, तो रिएक्टिव आए हैं लेकिन वो जैसे गाइडलाइंस है ऊपर से कि डॉक्सीसाइक्लिन के कैप्सूल उनको हम देंगे तो वो रिकवर करते हैं, वैसे ही वो रिकवर हो रहे हैं। काफ़ी सारे डिस्चार्ज भी हो गए हैं और OPD बेसिस पे भी काफ़ी सारे ठीक हो गए। कुछ केसेस हमने पोंटा भेजे थे कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए, वहाँ वो नेगेटिव आए हैं। ठीक है, 2 पीडियाट्रिक पेशेंट थे, कहते आज ही डिस्चार्ज हुए हैं, दोनों स्टेबल थे। 2 फीमेल पेशेंट आज ही डिस्चार्ज हुए, वो भी स्टेबल थे। तो ऐसे कोई सीरियस केस नहीं है स्क्रब टाइफस का हमारे पास, लेकिन सस्पेक्टेड केसेस का हम कार टेस्ट करते हैं और लोगों को जो है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सीज़न में ये केसेस ज़्यादातर आते हैं तो हम IC एक्टिविटीज़ करते हैं पूरे ब्लॉक में। हमारे हेल्थ एजुकेटर्स और हमारे ANMs हैं, उनको जो है हम IC एक्टिविटीज़ के लिए बोलते हैं। हमारे BMOs भी उसमें होते हैं, तो लोगों को अवेयर करते हैं कि कैसे उन्होंने अपना ध्यान रखना है। जैसे घास में इधर उधर कहीं भी काम करते हैं या तो पूरे कपड़े पहन के जाएं। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।